नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एबीबी की आरएफ 615 रिले है जिसको 33 के वी आउटगोइंग फीडर पे लगाया गया है आवर करंट अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसके अंदर जब इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही एक एरर आता है एलसीटी करके, ये कंपोजिशन हैज चेंज्ड प्लीज कनेक्ट टू टूल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये एरर आता किस वजह से है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो कई बार क्या होता है, किसी रिले के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हम इसका कार्ड इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक बार अगर कार्ड इंटरचेंज हो गया उसके बाद में ये एरर आना शुरू हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए हमें रिले को पीसी या लैपटॉप की मदद से पीसीएम 600 नाम का सॉफ्टवेयर जो एबीबी का आता है उसके साथ कम्युनिकेट करवा के इसको ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले रिले को लैन केबल की मदद से लैपटॉप के साथ जोड़ना है। लैपटॉप में पीसीएम 600 सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। पीसीएम 600 में न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, न्यू प्रोजेक्ट का नाम देना है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने ABB1 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, जो न्यू प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से आगे न्यू आएगा, न्यू के आगे जनरल, जनरल के आगे सबस्टेशन पे क्लिक करना है। अब जो सबस्टेशन क्रिएट हुआ है उसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके फिर से न्यू पे जाना है, न्यू से जनरल पे जाना है और जनरल से वोल्टेज लेवल क्रिएट करना है। अब ये नया वोल्टेज लेवल क्रिएट हो गया, फिर से वोल्टेज लेवल पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाना है, न्यू पे आगे जनरल पे जाना है, जनरल से बे पे क्रिएट करना है। अब आपकी ये बे क्रिएट हो गई है, बे पे फिर राइट क्लिक, न्यू फीडर आईडी और आरएफ 615 सेलेक्ट करना है। अब ये आरएफ 615 रिले का कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड खुलेगा। इसके अंदर आपको अगर रिले कनेक्ट है तो ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन करके नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट फिर फ्रंट पोर्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद स्कैन पे क्लिक करना है। स्कैन करते ही ये रिले को स्कैन करेगा। अगर आपकी रिले पीसी के साथ जुड़ी हुई है तो ये इस रिले का ऑर्डर कोड वगैरह सब कुछ स्कैन करके और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे रिले के अंदर जो लैन पोर्ट है उसके ऊपर जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन चालू हो चुका है और रिले स्कैन कर रहा है सॉफ्टवेयर। अब पीसी ने स्कैन कर लिया इसको और स्कैन करने के बाद ये नई विंडो खुली है, ये टेक्निकल की चेंज करने के लिए बोल रहा है। हम इस पर यस करके और रिले को रीबूट करेंगे। यस करने के बाद रिले एक बार बंद होके दोबारा से स्टार्ट हो रही है। रिस्टार्ट होने के बाद पीसीएम 600 रिले को फिर से स्कैन करेगा और उसका ऑर्डर कोड वगैरह सीरियल नंबर वगैरह स्कैन करके और डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट करके फिनिश करने के बाद जो आपने आरएफ 615 रिले क्रिएट करी है उसके ऊपर टिक का निशान आ जाएगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके और लाइफ साइकिल हैंडलिंग में जाना है, कलेक्ट आईईडी पे क्लिक करना है, जिसमें जो ये विंडो दिख रही है इसको ओके करना है। इसके बाद फिर से आरएफ 615 पे राइट क्लिक करके लाइफ साइकिल हैंडलिंग के अंदर राइट साइट इन्फॉर्मेशन करना है, साइट इन्फॉर्मेशन डाल के राइट टू आईडी करना है। इसके बाद राइटिंग साइट इन्फॉर्मेशन टू आईडी ये बड़ी विंडो आएगी। अगर कुछ इस टाइप का वार्निंग मैसेज आए तो उसको ओके करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपोर्टिंग आईडी कॉन्फ़िगरेशन टोटल प्रोग्रेस ये दिखा रहा है, इसके अंदर 75% ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो इन्फो के अंदर आईडी एलसीटी डाटा सक्सेसफुली कलेक्टेड फ्रॉम आरएफ 615। अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो एलसीटी एरर था वो रिमूव हो चुका है। अब जब भी आप इसको रिस्टार्ट करोगे एलसीटी वाला एरर नहीं दिखाएगा। अब मैंने रिले को रिस्टार्ट कर दिया है। रिस्टार्ट होने के बाद जो स्टार्टिंग विंडो है वो खुल चुकी है। अब इसके अंदर आप देखोगे वो जो एलसीटी एरर है वो नहीं दिखा रहा है जो पहले रिस्टार्ट होने के बाद दिखा रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।